उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को दो सगे भाइयों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कल सुबह इनकी तबीयत बिगड़ी, घर में पलटियां वगैरह शुरू हुई। इनको नजदीक के हिमालय प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ले गया मैं। डॉक्टर के ले जाने के बाद में उसने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट उसके इंजेक्शन वगैरह सब मालिक आप पुलिस और विभाग के पास फोर्स इंडेक्स टीम के पास पूरे हैं। टैक्सियम वगैरह इंजेक्शन दिए थे जो वो सब है। सुधार न होने के कारण पर हम लोग घाटमपुर ले गए सीएससी में ले जाने में एक बच्चा सीएससी पहुंचते ही दम तोड़ दिया। दूसरे बच्चे को वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उसका एक घंटे वहाँ ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के बाद में उसमें कुछ सुधार हो रहा नहीं हो रहा उसको लेकर रिफर कर दिया। जरिए कंट्रोल रूम और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि दो बच्चों की दुखद मौत हो गई है ग्राम घटवा में। पुलिस द्वारा जब इस बारे में तहकीकात की गई तो ये पता चला कि एक छोटे बच्चे उसमें जो छोटा भाई है उसका देहांत हो गया है, दूसरा जो है कानपुर के लिए रिफर था। और गांव में ऐसी सूचना मिली कि 9 तारीख को ये दोनों बच्चे एक ट्यूबवेल पर काफी नहाए थे, उसके बाद 10 तारीख को जब इनकी तबीयत सवेरे खराब हुई तो पास के स्थानीय डॉक्टर को दिखाया गया था, उसने कुछ दवाइयां दी थी। उसके बाद जब स्थिति नहीं सुधरी, जब ये लोग जब सीएससी पे लेके पहुंचे तो उसमें से एक छोटे वाले बच्चे को मृत घोषित किया गया और दूसरे को तत्काल रिफर किया गया कानपुर के लिए, और कानपुर आते आते उसका भी देहांत हो गया।